हेलो दोस्तों, मेरा नाम शालू है और मेरे यूट्यूब चैनल शालूज द बुक पर आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही कम मोयन में, बहुत ही कम तेल में बनी हुई मैदा की पापड़ी। इसको आप बनाकर रख लीजिए, एक बार आप बनाएंगे महीने भर खाएंगे। इसको आप एज ए स्नैक चाय के साथ खा सकते हैं, सफर में ले जा सकते हैं और इस काफ़ी वर्सेटाइल रेसिपी है। इसको आप काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से खा सकते हैं। स्नैक के फॉर्म में खाना है तो इसके ऊपर आप दाल रखकर खा सकते हैं, मटर रखकर खा सकते हैं, छोले इसके साथ खा सकते हैं इसको, और इसके ऊपर प्याज, टमाटर, हरे धनिया पुदीने की चटनी, इमली की चटनी, किसी के साथ भी आप इसको खा सकते हैं। तो बहुत ही टेस्टी लगती है, साथ ही बहुत कम ऑयल में ये बनकर रेडी हुई है। तो आइए फटाफट से मैं दिखा देती हूँ कैसे आप इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर पापड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमें आटा लगाकर रेडी करना होगा, जिसके लिए मैंने एक परात में लिया है 2 कप मैदा। मैदा में हम ऐड करेंगे सबसे पहले नमक, तो मैं यहाँ पर इसमें लगभग 1.5 चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं ये जो कंटेनर के साथ स्पून आती है, आजकल जितने कंटेनर मिल रहे हैं सभी के साथ स्पून आती है, तो उसी स्पून का मैंने यूज किया है। और ये देखिए, उसके साथ ही 1/2 चम्मच इसमें मैंने अजवाइन ऐड की है। तो अजवाइन ऐड करने से एक तो डाइजेशन बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छे से ये जो मैदा की पापड़ी है इजिली डाइजेस्ट हो जाती है, साथ ही बहुत अच्छा फ्लेवर भी निकल कर आता है। तो ये देखिए, ड्राई चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया है, अब इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत कम तेल है, सिर्फ 2.5 चम्मच तेल हम ऐड करेंगे यहाँ पर, और ग्राम्स में नापेंगे तो लगभग ये 12 से 15 ग्राम के करीब तेल है। तो तेल को अब अच्छे से हम मैदा के साथ मिक्स करेंगे, हाथों से रगड़ते हुए हमें अच्छे से मैदा के साथ तेल को मिक्स करना है। तो जब अच्छे से तेल मिक्स हो जाएगा तब इसमें हम पानी डालकर इसका आटा लगाएंगे। तो ये देखिए, इस तरह से दोनों हथेलियों के बीच में रखते हुए अच्छे से आप ऑयल को मैदा के साथ इनकॉर्पोरेट कर लीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तभी जो हमारी मैदा की पापड़ी है एकदम क्रिस्पी बनेगी। तो ये देखिए, अच्छे से मिक्स करने के बाद में देखिए इसमें पानी डालेंगे, पानी थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे डालना है हमें। और यहाँ पर इस तरह से हम आटा लगाकर रेडी कर लेंगे। आटा हमारा सेमी सॉफ्ट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्ड या बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं चलेगा। तो आटा लगकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। लास्ट में मैं देखिए हल्का सा इस पर ऑयल और लगा रही हूँ और इसको हम अच्छे से चिकना कर लेंगे। जब ये आटा पूरी तरह लग जाएगा तब इसको रेस्ट देने के लिए हम रखेंगे। लगभग 1/2 घंटे के लिए आप इसको रख दीजिए ढककर, ताकि ये अच्छे से फूल जाए, अच्छे से सेट हो जाए। तो आटा यहाँ पर देखिए ढककर मैं रख रही हूँ, 1/2 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। 1/2 घंटा हो चुका है फ्रेंड्स, अब मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, आटा हमारा रेडी हो चुका है बिल्कुल। एक बार इसको हम वापस से नीट करेंगे, आप देख सकते हैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका है। तो एक बार मैं इस पर 2-3 बूंद तेल और लगा रही हूँ, और ये देखिए इसको हम वापस से इस तरह से चिकना कर लेंगे, नीट करेंगे और चिकना कर लेंगे। इसके बाद में इसकी हम लोई तोड़ेंगे, छोटी छोटी लोइयाँ हमें तोड़नी है, बहुत ज़्यादा लोई हमें बड़ी नहीं चलेगी, बहुत छोटी छोटी लोई हमें लेनी है और उसको हमें बेलकर यहाँ पर बनाना है मैदा की पापड़ी। ये देखिए कुछ इस तरह से लॉग बनाकर, और इसकी मैदा की लोई आप तोड़ लें बिल्कुल छोटी छोटी। हालांकि साइज आप पर भी डिपेंड करता है, अगर आपको बड़ी थोड़ी सी पापड़ी पसंद है तो बड़ी भी आप बना सकते हैं, लोई बड़ी ले सकते हैं। तो इन्हें आप प्लेट से ढककर रख दीजिए और एक एक लोई हम लेते जाएंगे और उसको इस तरह से बेलन की हेल्प से हम बेलते जाएंगे। तो ये देखिए, छोटी छोटी पूड़ियां यहाँ पर सबसे पहले मैं बेल रही हूँ। तो इस तरह से पूड़ियां बेलकर हम रख लेंगे छोटी छोटी, और पूड़ियों को हम इस तरह से बेलकर रख लेंगे। सारी की सारी पूड़ियां आप एक बार बेलकर रख लें और इसको इसके बाद में हम सुखाएंगे। तो यहाँ पर हम इन पापड़ी को बहुत ही कम तेल में, बहुत ही कम मोयन के साथ बनाने वाले हैं। तो इसके लिए हमें कुछ करना होगा, एक ट्रिक लगानी होगी फ्रेंड्स। ये जो पापड़ी है, इस जो अभी हमने पूड़ियां बेलकर रखी हैं, तो इनको हमें इस तरह से सुखाना होगा। लगभग 10 मिनट के लिए इसको आप किसी कपड़े पर, किसी भी टॉवल पर सुखा दीजिए पंखे के नीचे। जब ये सूख जाएगी, 10 मिनट में, सिर्फ 10 मिनट सुखाना है, 10 मिनट में ये सूख जाएगी इस तरह से, और उसके बाद में इसको हम वापस से बेलेंगे। तो आप इसको बहुत पतला बेलें, क्योंकि काफ़ी कम तेल का यूज़ हुआ है, तो इसको जितना आप पतला बेलेंगे उतना ही इसको सेकने में बहुत आसानी होगी, फटाफट से ये सिक भी जाएगी। ये देखिए, 10 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पर पापड़ी हमारी सूख चुकी है। तो अब इसको हम बेल लेते हैं, इसको हम एक बिल्कुल पतला बेलेंगे। अगर आपको पतली पापड़ी पसंद नहीं है तो आप इसको थोड़ा मोटा भी रख सकते हैं, आप इसको ना भी बेलें तो भी चलेगा। मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा पतला बेल रही हूँ। तो ये देखिए, पापड़ी हमारी यहाँ पर बेलकर रेडी हो चुकी है। तो सारी पापड़ियों को इसी तरह से हम बेलकर रेडी कर लेंगे। आपने देखा कितना पतला बेला है हमने इसको, ये देखिए। तो अब ये पापड़ी हमारी बेलकर रेडी है, सारी पापड़ी हम इसी तरह से बेलकर उसके बाद में इनको भी हमें सुखाना होगा।
तो सुखाने का लॉजिक ये है फ्रेंड्स, अगर आप इसको इस तरह से सुखा लेंगे किसी कपड़े पर 10 मिनट के लिए वापस से सुखाएंगे, तो इससे ये होता है कि जब इसको हम फ्राई करेंगे, डीप फ्राई करेंगे, तो ये बहुत कम तेल एब्जॉर्ब करेगी। साथ ही जो हमारा फ्राइंग टाइम है, जब हम इसको फ्राई करते हैं तो फ्राई करने में भी बहुत कम टाइम लगता है, लगभग 1 से 1.5 मिनट में ये फ्राई होकर आपको रेडी मिल जाएगी। तो तेल हमारा रेडी है फ्राई करने के लिए और पापड़ी भी हमारी सूख चुकी है। इस तरह से जरा सा आप तेल में मैदा का जरा सा आप बैटर डालकर देख लें, डो डालकर देख लें, तो ये देखिए अगर ऊपर आ जाता है इसका मतलब तेल हमारा गर्म है। और गर्म तेल में आप डालें पापड़ी, इसको उलटते पलटते हुए चिमटे की हेल्प से आप फ्राई कर लें। तो जैसा मैंने आपको बताया बहुत कम टाइम लगता है फ्रेंड्स, मुश्किल से 1.5 मिनट का टाइम लगेगा और ये सिककर आपको रेडी मिल जाएगी। तो इसको बस हमें लाइट कलर देना है, बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना है। अगर आप इसको बहुत ब्राउन कर लेंगे तो ये खाने में एकदम आपको कड़वी कड़वी सी लगेगी। तो इसको लाइट ही सेका जाता है फ्रेंड्स। ये देखिए पापड़ी हमारी सिककर रेडी है। इसका एक्स्ट्रा ऑयल इस तरह से ड्रेन करते हुए आप इसको निकाल लीजिए। तो सारी पापड़ी इसी तरह से हम सेक कर रेडी कर लेंगे। मैं आपको कलर दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी पापड़ी सिककर बिल्कुल रेडी है। जैसे ही ठंडी होगी वैसे ही एकदम क्रिस्पी हो जाएगी। बहुत ही अच्छा कलर आया है और बहुत ही कम तेल इसने एब्जॉर्ब किया है। तो आप भी घर में इसको जरूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और कैसी लगी मेरी ये रेसिपी लिखकर जरूर बताइएगा। जब इसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा तब इसको आप एयरटाइट बॉक्स में भरकर रख सकते हैं और इसको आप आराम से 1 महीने तक इंजॉय कर सकते हैं। चाट के हिसाब से खा सकते हैं, चाट बनाकर भी इसकी खा सकते हैं। जैसे अगर आप मटर की चाट बना रहे हैं, छोले की चाट बना रहे हैं, तो उसके अंदर क्रश करके ऐड कर सकते हैं, या इसके ऊपर भी आप मटर फैलाकर, काले चने फैलाकर, छोले फैलाकर, प्याज टमाटर और हरे धनिया पुदीने की चटनी, साथ ही इमली की चटनी और थोड़ा सा चाट मसाला बुरक कर भी खा सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये देखिए तैयार है हमारी बहुत ही कम तेल में बनी हुई मैदा की पापड़ी। ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी है। तो आप भी इस रेसिपी को जरूर बनाइएगा, ट्राई कीजिए अपने घर में। कैसी लगी रेसिपी लिखकर जरूर बताइए। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप रखिए अपना ख्याल, फिर मिलती हूँ बिल्कुल नई रेसिपी के साथ।